मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक तहसीलदार को सोशल मीडिया पर राजनीतिक पोस्ट करना भारी पड़ गया। दरअसल कुंभराज की तहसीलदार अमिता सिंह बीते दिन कांग्रेस के शीर्ष नेता को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की थी। अब इस पोस्ट की वजह से विवादों में घिर गई हैं। अब उनकी पोस्ट को लेकर गुना कांग्रेस ने विरोध जताया है, साथ ही राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप कर इन्हें पद से हटाने की भी मांग की गई है। साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष मेहरबान सिंह धाकड़ ने सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन बताया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने अपने अकाउंट में आदरणीय राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के, उनके खिलाफ और हमारे कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी के खिलाफ उन्हें अनर्गण अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उनके बारे में भी लिखा। उसके संबंध में हमने माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर महामहिम राजपाल जी को ज्ञापन दिया है और उसमें हमने मांग की है कि इन्होंने जो खुद मानसिक रूप से कुपोषित हैं और उसी के कारण इन लोगों ने इस तरह के अनर्गण, जबकि इन लोगों का ये अधिकार नहीं बनता, क्योंकि ये लोग सर्विस में हैं। सर्विस वाले लोगों को ये अधिकार नहीं है कि आप राजनीति के साथ छेड़छाड़ करो। लेकिन उन्होंने इनकी ये स्थिति और पहले भी रही है, जानकारी मिली कि इनका व्यवहार इसी तरह का है और इसी तरह की कृत्य करती है, तो हम लोगों ने ये मांग की है कि इनको तत्काल वहां से पद से हटाएं और इन पर जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करें। अगर अन्यथा कार्रवाई नहीं की तो हम लोगों कांग्रेस के सारे लोग मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें हम आदरणीय हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और आदरणीय हमारे लोकप्रिय विधायक जयवर्धन सिंह जी को बुलाकर एक विशाल प्रदर्शन हम गुना में शीघ्र ही करेंगे। अगर इन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं सरकार बंधु, जैसा कि आप सबको हम सभी को विदित है कि आने वाली 11 सितंबर को गुना नगर निकाय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 20 का उपचुनाव संपादित होना है। उसी की प्रक्रिया के चलते भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर उतर आई, उनकी बौखलाहट इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने नामांकन स्क्रूटनी के दौरान निराधार आपत्तियां लगाई, उनके अभिभाषक जो वहां मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ संभावित जो थे निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती हेमलता सितारा जी के खिलाफ जो उन्होंने आपत्तियां लगाई, श्रीमान रिटर्निंग ऑफिसर ने उन सभी निराधार आपत्तियों को सिरे से खारिज कर मैदान में जाकर चुनाव लड़ने की सभी को नसीहत दी।